हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है कोमल जैन और मैं अन अकाडमी पे एडुकेटर हूँ। बट आपके लिए आज मैं कोई केमिस्ट्री का पढ़ाने वाली नहीं हूँ, मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। इन्फॉर्मेशन है अन अकेडमी कॉम्बैट के बारे में, ठीक है। अन अकेडमी कॉम्बैट है क्या, ठीक है। ये इंडिया का लार्जेस्ट फॉरेन आईडी कॉम्पिटिशन है फॉर द आईआईटी जेई। नाउ व्हाट दिस मीन्स, क्या इसकी क्या है ये चीज़, ठीक है। तो ये बेटा एक ऐसा टेस्ट बोल सकते हो आप इसे, या ऐसा कॉम्बैट बोल सकते हो जिसमें इंडिया के सारे बच्चे, ऑलमोस्ट सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पर आपको पता लगेगा कि आप इंडिया में जितने भी बच्चे हैं उसमें कहाँ लाई करते हैं। मतलब यहाँ पर बेटा एक आपका टेस्ट होने वाला है और ये ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आपने कभी भी नहीं किया होगा, क्योंकि ये इंडिया में, भारत में पहली बार रिलीज हुआ है, ठीक है। पहली बार आया है ये चीज़। तो कैसे होगा, क्या होगा, कितने टाइम के लिए होगा, सब चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। बट पहले मैं बता दूं कि यहाँ ये जो कॉम्बैट होने वाला है ये बेटा 11, 12 एंड 13, मतलब कि जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं उनके लिए ये कॉम्बैट होने वाला है। और सिर्फ आईआईटी जेई लेवल का होगा ये जो भी कॉम्बैट है। एंड आपका हर ऑल्टरनेटिव संडे होगा। पहला जो कॉम्बैट होने वाला है वो 8 नवंबर को होने वाला है, इस 8 नवंबर को जो अभी आ रहा है, ठीक है। अब इन इस कॉम्बैट के क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, क्या सिलेबस है, किस तरीके से एनरोल करना है, एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगी। बट थोड़ा सा टिकने की ज़रूरत है, आप थोड़ा सा वीडियो को वॉच करें और जानिए कि क्या होने वाला है आपके साथ अब, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बेटा आपको चैलेंजिंग क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि क्यूरेट किए हैं सभी बेस्ट अन अकेडमी एडुकेटर्स ने, मतलब जो बेस्ट एडुकेटर्स हैं यहाँ पे उन्होंने ये क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखा जाए तो 21 क्वेश्चंस आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों को मिला के आपके सिर्फ और सिर्फ 21 क्वेश्चंस आएंगे। 45 मिनट्स का ही आपका टेस्ट होगा, मतलब इट विल टेक 45 मिनट्स ओनली, ठीक है। और ये कॉम्बैट बेटा आपका एक ऐसा कॉम्बैट होने वाला है जिसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके माइंड को हिलाने वाले हैं। बोलो तो मतलब ये है कि आपके माइंड में बेटा जब्तो जहर चलेगी, एक लड़ाई चलेगी कि भाई इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर क्या होगा। इस तरीके से आपके दिमाग में चीज़ें चलने वाली हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप पार्टिसिपेट ना करें क्योंकि मैं आपको ऐसा कह रही हूँ। बेटा डरा तो मैं बिल्कुल भी नहीं रही हूँ यहाँ पे। एक्चुअल में क्या है कि अगर आप अपने माइंड को जितना ज़्यादा चैलेंज देते हैं ना, उतना ज़्यादा वो खुलता है। और अगर आपने चैलेंज नहीं दिया अपने माइंड को तो वो खुलेगा नहीं, और उसे खुलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप भी एक चैलेंजिंग, यू नो, चैलेंजिंग एग्ज़ाम देने वाले जो कि आईआईटी चाहिए। तो चैलेंजिंग क्वेश्चंस चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। और जो ये क्वेश्चन है बेटा, ये जो क्वेश्चन क्यूरेट किए हैं अन अकेडमी के एडुकेटर्स ने, वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होंगी, काफ़ी फन होगा यहाँ पे आपके साथ। इतने सारे बच्चे हैं यार, इतने सारे बच्चों में आप पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो आप सोचो ना जरा, आप सोचो जरा क्या फील आएगी और उस टाइम पे क्या फील आएगी, ठीक। तो ये जो क्वेश्चंस हैं एक्चुअल में जो अन अकेडमी एडुकेटर्स ने क्रिएट किए हैं, वो एक दिन में नहीं हुआ है, दो दिन में नहीं हुआ है, तीन दिन में क्रिएट नहीं हुआ है। दे हैव टेकन 15 डेज फॉर क्रिएट दीज क्वेश्चंस। नाउ यू इमेजिन गाइस कि 21 क्वेश्चंस को क्रिएट करने के लिए एडुकेटर्स ने 15 डेज का टाइम लिया है। आपको सिर्फ 45 मिनट्स का ये टेस्ट करना है, तो आपको तो टाइम वैसे ही कम लगा, ठीक है। तो माइंड टीजिंग क्वेश्चंस यहाँ पे होने वाले हैं आपके, ठीक है। चलो तो क्वेश्चंस आपको इसके लिए आप कुछ नहीं करना, आपको बस एक एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत है। आप एंड्रॉयड फ़ोन से यहाँ पे क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड्रॉयड फ़ोन से ही पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्वेश्चंस आपके फ़ोन में नॉर्मली जैसे आप देते हो ना, अकेडमी का क्विज वगैरह देते हो, वैसे आपको क्वेश्चंस यहाँ पर नजर आएंगे। बट रैंकिंग बिल्कुल भी उस तरीके से नजर नहीं आएगी, अलग तरीके से नजर आएगी यहाँ पे रैंकिंग, रियल टाइम रैंकिंग आपको नजर आएगी हर क्वेश्चन के बाद। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको रियल टाइम बेटर रैंकिंग नजर आती है, मतलब जो भी क्वेश्चन आप देते हैं उसके बाद आपको अपनी रैंक भारत में क्या है वो पता लग जाता है कि भाई पूरे भारत में क्या रैंकिंग चल रही है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ, मतलब ये जो बच्चे हैं जो दे रहे हैं एग्ज़ाम, वो अन अकेडमी पे रजिस्टर्ड हैं। अगर आपके पास अन अकेडमी पे रजिस्टर्ड नहीं है, प्लस पर नहीं हो, तब भी आप दे सकते हो। आपको बस करना इतना सा है, अन अकेडमी की ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ से आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप प्लस के मेंबर हैं या नहीं है, तब भी आप इस चीज़ को दे सकते हो। और अन अकेडमी पर है या नहीं, अन अकेडमी की ऐप आपके फ़ोन में नहीं है, तो बेटा पहले आप इंस्टॉल कर लीजिए अपनी अन अकेडमी की ऐप को और जल्द से जल्द रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, किस तरीके से करना है एवरीथिंग मैं बताऊंगी। और आपके फायदे की बात है कि कोई पैसा यहाँ पे आपका लगेगा ही नहीं, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पर आपको जो रैंकिंग मिलने वाली है, योर रैंक जो होती है ये मैंने आपको बता दिया, एवरी हर क्वेश्चन के बाद आपको दिखाई देगी, लाइव लीडर बोर्ड हर बच्चे के सामने आएगा। बट यार इससे ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि आपको प्राइजेस भी मिलेंगे। लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट ले लिया और हो गया काम, नहीं बच्चा, टेस्ट के साथ साथ यहाँ पर आपको प्राइज भी मिलेंगे और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मिलेगा जिसकी वजह से आपके माइंड ने इतना मेहनत किया, इतने अपने बाल जलाए, है ना। चलेगा तो यहाँ पर बेटा आपको रैंकिंग तो दिखेगी, वो कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन में आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पर आपको ना घंटा कर काइंड ऑफ ऐसे कर्व दिखाई देगा, इस घंटा कर कर्व में आपको एक पॉइंट दिख रहा है जिसपे आपको यू लिखा है, मतलब ये दिखाई देगा कि आप कहाँ लाई कर रहे हैं, मतलब आप इस पूरे कर्व में कहाँ लाई कर रहे हैं। तो ये डॉट कुछ इस तरीके से आपकी मूव करेगी यहाँ पे। अब मान लो बेटा कि आपका जो आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए, आप अगर बेटा मिडल में लाई करते हैं, मिडल में बीच में लाई करते हैं कर्व के, तो इसका मतलब ये है कि आप मेजॉरिटी स्टूडेंट में हैं जो एवरेज परफॉर्म कर रहा है, जो एवरेज परफॉर्म कर रहा है। तो आपने कोशिश क्या करनी है, आपने कोशिश करनी है इस कर्व के आगे लाई करने की, क्योंकि जितना ज़्यादा आप आगे लाई करोगे ना उतने ज़्यादा आप क्या होंगे, टॉप में होंगे, टॉप रैंकर में होंगे आप ये, ठीक है। आपकी जो एग्जैक्ट रैंकिंग है वो कहाँ दिखाई देगी, वो आपको यहाँ दिखाई देगी, एग्जैक्ट रैंकिंग की, भाई आपकी एग्जैक्ट रैंकिंग क्या है। और इसके साथ साथ आपको ये भी नज़र आएगा कि आप अपनी पिछले क्वेश्चन की रैंक से कितना आगे बढ़े, कितने घट गए। मान लो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में रैंकिंग है 780 रैंकिंग है आपकी, लेट सपोज ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको आपकी लेट सपोज हो गई 700 रैंकिंग हुई, तो आपको पता लग जाएगा कि आप 80 आगे पहुंच गए हो, 80 क्या हो गया आप और आगे पहुंच गए, 80 बच्चों से आप आगे पहुंच गए हो, ठीक है, ये आपको पता लग जाएगा। तो जितनी आपकी रैंकिंग होगी ना, जितनी आपकी रैंकिंग होगी, इसका मतलब ये है कि बेटा आप जो है वो कहाँ लाई कर रहे हो, ये आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। आपको एक्यूरेसी का भी पता लगेगा कि आप इतनी एक्यूरेटली आप आंसर कर सकते हो, कर रहे हो, मतलब ये मान लो आपने दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सही किया, एक क्वेश्चन गलत किया है, तो आप एक्चुअली में 50% एक्यूरेट चल रहे हो, इसका मतलब ये है। तो बहुत स्पीड आपकी चेक होगी यहाँ पे, आपकी स्पीड भी चेक होगी, आपकी एक्यूरेसी भी चेक होगी, एवरीथिंग आपकी यहाँ पे चेक होने वाली है। और नेगेटिव मार्किंग होगी तो तुक्केबाजी तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है, जो जेई में जिस तरीके से स्कोरिंग होती है बिल्कुल वैसे ही होगी आपकी स्कोरिंग। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का टेस्ट होगा, तीनों में आपको पता है 7-7 क्वेश्चन आने वाले बेटा, मतलब टोटल 21 क्वेश्चन है, 45 मिनट्स का ये टेस्ट होगा। इसके साथ साथ ये जो 21 क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन के तीन पार्ट में डिवाइड होंगे, तीन क्लास में डिवाइड होंगे, और हर एक में आपका क्या होगा, फिजिक्स का, आप केमिस्ट्री का एंड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आएगा, मतलब 7 क्वेश्चन फिजिक्स के, 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 7 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होंगे। तो सिर्फ केमिस्ट्री से काम नहीं चलेगा, मतलब मैंने पढ़ा दी केमिस्ट्री तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ केमिस्ट्री से काम चलेगा, नहीं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों में अच्छा करने की ज़रूरत है। बट बेटा ऐसा नहीं है कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कि आपको कुछ नहीं आता, आपको पूरा सिलेबस नहीं आता जेई का, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सिलेबस आपका फुल दे नहीं रहे हम लोग, मतलब इस कॉम्पार्ट में पूरा सिलेबस नहीं दे रहे, सिर्फ कुछ टॉपिक्स ही दे रहे हैं जो आपको स्टडी करने हैं और इस कॉम्पार्ट में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो क्या सिलेबस है उसकी भी अपन लोग बात करेंगे, टेंशन मत लो उसकी, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, मतलब जिन एडुकेटर्स ने ये क्वेश्चन क्रिएट किया उन्होंने तो आपके दिमाग को हिला दिया, एक तरीके से हिला दिया, क्योंकि आप वहां पे सोचने लगोगे कि यार इनको इनका आंसर हो क्या सकता है, ठीक है। तो अब दिमाग में यार जब कीड़ा आता है ना क्यूरियोसिटी का, तब उस कीड़े का जब तक शांत नहीं किया जाता तब तक दिमाग शांत नहीं होता, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि जब तक आपको आंसर नहीं पता लगता ना दिमाग में वही चीज़ घूमती रहती है। तो टेंशन मतलब हम लोगों ने उसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया था, सॉल्यूशन ये है कि हम आपको उसके वीडियो सॉल्यूशंस ही दे रहे हैं, मतलब जो भी आपने क्वेश्चंस किए ना बेटा उसके वीडियो सॉल्यूशंस आपको वहाँ पे नजर आ जाएंगे, यू कैन सी दिस थिंग, तो वीडियो सॉल्यूशन आपको नजर आएगा। तो जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसके आंसर भी आपको मिल रहे हैं, प्राइजेस भी हम आपको दे रहे हैं, 45 मिनट का ये टेस्ट है, टाइम भी हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। तो भाई एनरोल करने में क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, बस फ़ोन में यार एक ऐप तो इंस्टॉल करनी है, कोई नहीं, दो चार यार एक घंटे के लिए कोई नहीं है, इंस्टॉल कर लेना, थोड़ी देर के लिए पबजी या ब्रॉल स्टार को अनइंस्टॉल मार देना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे पबजी तो बैन हो ही है, चलिए खैर कोई नहीं। तो यहाँ पर बेटा आपको ट्रैक करने का मौका मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस को, कि आप, मैंने बताया ना आप अपनी किस तरीके से लाइक कर रहा है, तो ज़रा सोचिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी, योर रेटिंग्स, इन योर रेटिंग्स ओवर टाइम थ्रू एन अप टू डेट डैशबोर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा ये जो कॉम्बैट होने वाला है आपका, एक्चुअली में जो कॉम्बैट होने वाला है ये हर 15 दिन में एक बार होगा, ठीक है। हर 15 दिन में क्या होगा, एक बार होगा, मतलब 15 डेज में एक बार होगा, हर ऑल्टरनेटिव संडे आपका ये होने वाला है।
तो मान लो आपके पहले पहले जो पहला कंबाट है उसके अंदर कोई एक रैंकिंग आई, अगले कंबाट में आपकी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि आपने बेटा पहले ही कंबाट में ऐसे क्वेश्चंस का सामना किया है जिन्होंने आपके दिमाग को हिला दिया, तो आपको दिमाग के हिलने की आदत हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आप अपने आप को और ज्यादा अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो हर यू नो हर क्वेश्चन के बाद आपको अपनी रैंकिंग दिखाई देगी और लैश बोर्ड भी दिखाई देगा। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर आप इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते हैं और मान लो आपकी रैंक भी आ गई, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आप टॉप 100 रैंकर्स में लाई करते हैं, तो बेटा एक्साइटिंग प्राइजेस आपके लिए है। लाइक एप्पल का मैकबुक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट आते हैं तो सेकंड आते हैं तो आपको मिलेगा एप्पल का iPhone 11, एप्पल का आईपैड मिनी, थर्ड आते हैं जब, और टॉप के जो 100 रैंकर्स होते हैं उनको मिलता है 1000 रुपीज तक का अमेजन का वाउचर, ठीक है। बट सच बताएं हम कि बेटा देखो, ये जो प्राइस है ये एक वो चीज है जो आप बहुत ही अमेजिंग परफॉर्म कर रहे हो तो आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और ये प्राइजेस भी अपने आप में अमेजिंग है क्योंकि आपको पता है कि एप्पल मैकबुक एयर का अपने आप में प्राइजेस लाखों में है, ठीक है। तो अगर आपको एप्पल नहीं पसंद, कोई दिक्कत नहीं है यार, कहीं पे जाके चेंज करवा लेना, एप्पल का कोई भी चेंज कर लेता है, कोई भी बाहर दुकानदार जो होता है वो चेंज कर लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट बेटा ये इन प्राइजेस से ज़्यादा जो आपका एक्चुअल प्राइस है ना, वो है आपकी रैंकिंग। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी रैंकिंग किसी एक बच्चे में, दो बच्चे में, तीन बच्चे में नहीं आती है, आपकी रैंकिंग लाखों बच्चों में आती है, ठीक है। लाखों बच्चों में, हज़ारों बच्चों में आती है आपकी रैंकिंग, तो वो रैंकिंग आपके लिए मैटर करती है। क्योंकि आप जेई के पेपर होने से पहले ही जान पा रहे हो कि आप कहाँ लाई कर रहे हो और आपको कितनी मेहनत और करने की जरूरत है और कौन से टॉपिक में करने की जरूरत है जो आपकी रैंक इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो हर कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट करें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ऐसा नहीं है कि ये प्राइजेस तुमको सारे कॉम्बैट मिला के दिया जाएगा, नहीं, हर कॉम्बैट में ये प्राइज दिया जाएगा। और ये जो कॉम्बैट है ये 11th 12th एंड ड्रॉपर बच्चों के लिए अलग अलग हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार क्यों ना मैं तीनों में ही पार्टिसिपेट कर लूँ, तीनों में मेरे चांसेस रहेंगे प्राइस को जीतने के। तो बड़ा ऐसा नहीं है, क्योंकि तीनों का जो कॉम्बैट होने वाला है वो सेम टाइम पे होगा, 8 नवंबर को जो होगा कॉम्बैट वो तीनों का सेम टाइम पे होगा। तो आपको वाइजली ये चीज़ चूज करनी पड़ेगी कि आप 11th में देना चाहते हो, 12th में देना चाहते हो, या फिर आप ड्रॉपर में देना चाहते हो, क्योंकि सबका सिलेबस अलग अलग होगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, कॉम्बैट बता दिया कि कॉम्बैट में क्या प्राइजेस मिलने वाले हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आएंगे। थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, जो फर्स्ट कॉन्टेस्ट होने होने वाला है आपका, वो होने वाला है 8 नवंबर को। 8 नवंबर को आपका ये कॉन्टेस्ट होगा, सुबह 11 बजे आपका ये कॉन्टेस्ट होगा। सुबह 11 बजे होकर होगा आपका ये कॉन्टेस्ट होगा, और 11th 12th एंड ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए होगा। 9th 10th वाले बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सिर्फ 11th 12th एंड 13th वाले बच्चे पार्टिसिपेट करें तो बहुत अच्छी बात है। होने के लिए आपके फ़ोन में अनअकैडमी की ऐप होनी चाहिए, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप होनी चाहिए आपके फ़ोन में, वो आप इंस्टॉल कर लीजिए जल्द से जल्द, और जल्द से जल्द रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको जाके यार बस एक बार प्रेस करोगे ना, पहुंच जाओगे लिंक में। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया सुबह 11 बजे होगा, मतलब 11th 11 बजे, 12th 11 बजे, और ड्रॉपर भी मतलब क्लास 13 भी 11 बजे, ठीक है। 11 बजे 45 मिनट्स का होगा, मतलब 11 to 11:45 होगा तीनों के लिए, 11 से 11:45 तक होगा। एंड आपको सिलेबस में क्या क्या मिलने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तीनों ही सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी एंड मैथमेटिक्स भी, तीनों मिलेंगे। और तीन राउंड होंगे 7 क्वेश्चन के, तीन राउंड होंगे 7 क्वेश्चन के। राउंड कौन कौन से, फिजिक्स का राउंड, केमिस्ट्री का राउंड एंड मैथमेटिक्स का राउंड। हर राउंड में 7 क्वेश्चन, टोटल 21 क्वेश्चन, टोटल 21 क्वेश्चन, टाइम 45 मिनट्स, टाइम 45 मिनट्स, और कब होगा, 11 बजे होगा, सुबह 11 बजे। और 8 तारीख को पहला कॉम्बैट होने वाला है, पहला कॉम्बैट 8 तारीख होने वाला है, और नेगेटिव स्कोरिंग होगी यहाँ पे, तो ध्यान रखना तुक्केबाजी नहीं चलेगी, तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। नेगेटिव मार्किंग है, सोच समझ के ही आंसर पे क्लिक करना है, समझ गए बच्चा। नेक्स्ट आ जाओ, कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा, कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा, कॉन्टेस्ट का जो फॉर्मेट रहेगा बेटा 45 मिनट्स बता दिया, 21 क्वेश्चन रहेंगे, सेपरेट कॉन्टेस्ट होगा 11th 12th एंड 13th के लिए, सेपरेट कॉन्टेस्ट होने वाला है। तीन सेक्शंस आपके रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के। जेई स्कोरिंग रहेगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और 490 कॉन्टेस्ट है, मतलब कि हर ऑल्टरनेटिव संडे होगा, या 15 दिन में एक बार आप कह सकते हो, 15 दिन में एक बार होगा। तो किसी भी कॉम्बैट को मिस तो बिल्कुल भी ना करें, पार्टिसिपेट जरूर करें, करेंगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, रैंकिंग मिलेगी, और क्या पता एप्पल आपके हाथ में हो अगले कॉम्बैट में, कॉम्बैट के रिजल्ट में। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आते हैं सिलेबस पे, अब आते हैं सिलेबस पे कि सिलेबस क्या है आपका, ये जो पोनाइटी कॉन्टेस्ट हो रहा है इसका सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है। सारा तो नहीं पढ़ना है आपको, सुनिए अब ध्यान से क्या क्या करना है आपको।
आप 11th के लिए, 12th के लिए एंड 13th के लिए किसी भी एक क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तीनों क्लास के लिए आप रजिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि तीनों का जो कॉम्पैट होने वाला है वो सेम टाइम पे होगा, सेम डे होगा, इसलिए आप तीनों के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते। आप क्लास 12th में तो क्लास 12th के लिए ही रजिस्टर करना, बी ऑनेस्ट बेटा। 11th में तो 11th के लिए, और अगर ड्रॉपर है तो ड्रॉपर के लिए। तो मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आप देख ही सकते हैं क्या क्या सिलेबस आने वाला है। और गाइज अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बता ही दिया मैंने वैसे आपको, सॉरी बता ही दिया बेटे मैंने आपको, 8 नवंबर का आपको पहले होने वाला है, 11 AM पे सुबह 11 बजे होगा, 45 मिनट्स का होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। कैसे कैसे एनरोल करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो, ये ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर, चलिए तो लेट्स गो फर्दर। तो बेटा जी आपने जो रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, बस एक ही काम करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना, यार एक घंटे की बात ही है, बस इंस्टॉल करिए और इस कॉम्पार्ट में पार्टिसिपेट करिए। ज़रूरी नहीं आप प्लस के मेंबर हो या नहीं हो, बट आप इस कॉम्पार्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बस इतना ही करना है कि फ़ोन में अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। जो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद एक लिंक वो खुल जाएगा, उस लिंक में जब आप रजिस्टर करने जाएंगे तो आपको कोड की ज़रूरत होगी क्योंकि बिना कोड के आप एंट्री नहीं कर सकते। तो वो जो कोड होगा ना बेटा वो आप यूज़ कर सकते हैं, मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, KJN कोड आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही KJN कोड डालेंगे तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं रजिस्टर। तो बेटा अभी से एनरोल करना शुरू कर दो क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने रजिस्टर कर लिया है, तो आप कब करेंगे? ऐसा ना हो आप भूल जाओ और पहला कॉम्बैट ही मिस हो जाए आपसे। जितने कॉम्बैट आप करोगे उतना ज़्यादा आपका लेवल इंक्रीज होगा, उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे प्राइज जीतने के। तो प्राइज तो खैर दूसरी सेकेंडरी थिंग है, पहली चीज़ तो है आपका दिमाग का खुलना, आपके दिमाग का खुलना, ठीक है। कॉम्बैट अगर आप करेंगे तो आप किस लेवल पे पहुंचेंगे आपको खुद को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होता कि हमारे दिमाग की क्या पावर है। वो तब पता लगती है जब हम उस चीज के लिए क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। जब कोई आपकी नॉलेज का टेस्ट करे तब आपको पता लगता है कि उस चीज की कितनी नॉलेज है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो ये जो मौका है वो बिल्कुल बिना छोड़े पार्टिसिपेट करें। और मैं तो ये कहती हूँ यार कि आप चाहें तो ये जो पूरी वीडियो है इसको शेयर कर सकते हो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और पता नहीं कहाँ कहाँ आपके सोशल अकाउंट्स होंगे, तो उन सब पे आप शेयर कर सकते हो, मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, KJN कोड फॉर गेटिंग एनरोल इन दिस टेस्ट, है ना। तो बचा, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इसको मिस नहीं करना क्योंकि भारत में पहली बार हो रहा है पता नहीं कितने सालों में यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक यू नो, और मैं तो कहती हूँ आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ठीक है। जब तक आपको आवश्यकता नहीं होती है तब तक आपको आप किसी भी चीज़ का आविष्कार नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि अगर हमारी हमारे इंडिया को ऐसे लोगों की डिमांड है जो कि JEE में अच्छा परफॉर्म करे, बहुत ही अच्छे इंजीनियर बने, तो हमें ऐसे बच्चों की ज़रूरत है जिनका माइंड बहुत ही ज़्यादा अलग सोचता हो, बट जिनका अलग सोचता है उनको भी नहीं पता होता, आपको पता ही बात, उनको भी नहीं पता होता, तो उसके लिए चैलेंज करने की ज़रूरत है। तो कॉम्बैट उसी का एक रास्ता है जिसमें आप जा सकते हैं और जिसमें लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो बेटा आप क्यों देरी कर रहे हैं, आप भी तो रजिस्टर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, पैसे लगने नहीं है, बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है और कोड डाल के आपने एंट्री मारनी है, एंड देन यू विल बी इनटू दिस, ठीक है। तो चलिए बेटा, शेयर करना ज़रूर याद रखना, सब्सक्राइब भी करना याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी वीडियोस हमारी आती है आगे आती है। लाइक अब आपको पता है कि लाइक मैं आप थोड़ा बताऊं तो इसमें तो रजिस्टर कर लेना भाई क्योंकि आपके ही फायदे की बात हो रही है। चलिए खैर इसी के साथ हम लोग बाय बाय करते हैं, देखूंगी मैं आपको कॉम्बैट में कि आप लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो। सो बाय बाय गाइज़।